आपका एमपी अंसारी। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मिनाटी डिपार्टमेंट। आपने बरेली में भ्रमण किया, क्या समस्याएं मिली, किस तरह की आप समस्या देखने मिली? बरेली सरजमीन पर बहुत बुरी तरह से हालत है, जनता पे पानी पना तरफ रहे हैं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब बरेली से मैं कुछ दूरी पर मैं गया रिक्शा टांडा, जहाँ पे सब बहुत ही 5,000 के हिसाब से वहाँ व्यापारी मिल हैं, जो कि वहाँ रोड का विकास नहीं है। रिक्शा से पहले लगता है ढेरा टांडा, वहाँ भी इसी समस्या देखें कि कोई लाइट नहीं है, कोई अधिकारी बिल्कुल लापरवाही है, इसी तरह से कानून व्यवस्था कोई नाम की चीज़ नहीं है। जब एक तरफ से माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं मैं छोटे छोटे गलियों में मैं रोड के विकास कर दूंगा, कोई लाइट की व्यवस्था कर दूंगा, अधिकारी के तत्काल प्रभाव से मैं निलंबित भी करूंगा, लेकिन कोई कानून यहाँ पर नहीं है। माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये बुरी हालत जब देश में रहेगा तो कोई कानून नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुन्ना बजरंगी जी की हत्या हुआ जेल कांड में, जब जेल में कोई सुरक्षित नहीं है तो अपराधी तो बहुत उसका बोलबाला बढ़ा हुआ है, तो कानून किस राम में? जेल तो होता सुरक्षित ले, ठीक वो अपराधी है या किस तरह से व्यक्ति, उसको फांसी दीजिए, न कि उसको जेल में हत्या करिए, तो कानून क्या रहा? कानून तो मैं नहीं देखा हूँ इस बरेली सरजमीन के, कानून है। और जात पात की राजनीति होती है, जात पात के पहली पद की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अभी तक पूरे देश के जहाँ जहाँ मैं गया कहीं जात पात की राजनीतिक नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश सरजमीन पर है जो जात पात की राजनीतिक हो रही है। शहर में जो बलात्कार हो रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देश में पूरे जब कानून व्यवस्था किसी नाम के चीज नहीं है तो बलात्कार तो होगा ही, कोई महिला सुरक्षित तो है नहीं। अब जो देश के अंदर जो अभी हलाला को लेकर के, बहु विवाह और तीन तलाक को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है, कल जो मौलाना ने जो एक महिला के साथ मारपीट भी करी है चैनल पर, तो उसमें आप कहें जो हमारे कुरान हदीस बताएगा जो शुरू से चल रहा है मैं उसी के मानूंगा। कोर्ट के कहने में यह कह देगा कि किसी महिला को किसी लड़के ने वो जाके रख ले उसको मैं थोड़ी मानूंगा। जो कुरान हदीस कहेगा उसी के मुताबिक, कुरान में कोई ऐसा नहीं है कि बगैर निकाह पढ़ाए हुए कोई औरत को रख सकता है। निकाह हम लोग के शरीयत है, जो कुरान और जो उलमा कहेंगे मैं उसी के मानूंगा। कानून तो यह भी बताती है कि ठीक है आपने 3 बार तलाक बोल दी है तो एक सांस पे 3 बार देने से 1 तलाक होती है, जब वो सांस को तोड़ के 3 बार देंगे वो तलाक पूरी मानी जाती है, और उस तलाक को हलाला बगैर वो मुसलमान बेग कोई भी नागरिक हो पूरी भारत का वो नहीं रख सकता है जब तक उसको हलाला नहीं। बरेली में निदा खान के लिए फतवा जारी किया गया है, उन्हें कब्रिस्तान में जगह को मना किया गया है, बीमार अगर होते हैं उनको कोई मुस्लिम कोई भी व्यक्ति देखने नहीं जाएगा, ये ठीक है या गलत है? भाई जो मुसलमान हैं, जो फतवा जारी हुआ है वो जो बरेली शरीफ में सबसे बड़ा उलमा आला हजरत है, उनको आला हजरत के किताबों में जो फतवा माना जाएगा उसका पूरा देश मानेंगे, आप पूरे देश मानते हैं। और ये कानून ऐसे लगाने से और ऐसे फतवा देने से इसमें गुमराह मुसलमान हो रहे हैं।